यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तपोवन होटल में क्वारंटीन किए गए प्रवासियों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बावजूद घर नहीं भेजा जा रहा है, जबकि इन प्रवासियों की सैंपल रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। इनके हाथों में भी मोहर लगा दी गई। प्रवासियों का कहना है कि प्रशासन हमें घर नहीं भेज रहा है, जिस कारण हम काफ़ी परेशान हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि टिहरी प्रशासन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है। कई ऐसे प्रवासी हैं जो क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके हैं व उनकी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, उसके बावजूद उन्हें घर जाने से रोकना संशय पैदा कर रहा है। सरकार, हम लोग यहाँ पे मुंबई से आ रखे हैं, हम लोग यहाँ पे 20 तारीख को आ गए थे। यहाँ पे हम लोग टोटल यहाँ पे हम लोग 80 जन थे। 80 जनों में से यहाँ पे हमारे 60 जनों को घर भेजा चुका है, और यहाँ पे हम लोग 17 जन यहाँ पे हैं। तो हम लोगों की ये प्रॉब्लम यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम इन लोगों ने कर रखी है यहाँ पे कि कई जनों को यहाँ पे, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो भी आपके सरकार की तरफ से आ रहे हैं, वो हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हमारा यहाँ पे सैंपल लिया गया है, हम लोगों का सैंपल लिया, हमारी नेगेटिव उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, हम लोग रिपोर्ट दिखा दी उन्होंने, फिर भी हमें घर नहीं भेजा जा रहा है, और बाकी हम लोगों को, सब लोगों को उन्होंने घर भेज दिया है। तो हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी जो आपके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और हमें झूठी झूठी खबर दे रहे हैं कि आपको कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, नर्सों भेजेंगे, और ना ही हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हमारे यहाँ पे 6-7 जन को उन्होंने हाथ पे मोर भी मार रखी है, यहाँ पे हमारे 6-7 जो भाई लोग हैं उनके 7 जन के मोर मार रखे हैं, परसों मोर मार दी थी, 3 दिन इनको हो गया है, और हमें 3-4 दिन हो गया। तो हमको यहाँ पे नीचे उन्होंने बुलाया और हमसे कहा कि आपकी गाड़ी आ रही है, हमने नीचे बैग लेके गए, फिर भी हमें वहाँ पर फिर रात जैसे शाम होगी बोलते कि आपकी व्यवस्था कल होगी, फिर कल, कल के कल, कल ऐसे ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग भी हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, और हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे थे, उनके घर में हमारे घर के लोग बीमार होने वाले हैं, क्योंकि हमारे चक्कर में उन लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन यहाँ हमारी बात कोई सुन रहा नहीं। हम लोगों ने इतने फ़ोन कर रखे, सारे अधिकारियों को, तहसीलदार को फ़ोन कर दिया, जिनको फ़ोन कर रहा हो तहसीलदार बोल रहे कि मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसको भी फोन करें, यहाँ पे जितने अधिकारी आ रहे हैं सबको फोन कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कोई हमारा फोन उठा रहा नहीं, हमारा रिस्पांस कोई नहीं दे रहा है। बाकी यहाँ पे जो तुम्हारे पुलिस वाले हैं वो भी हमें बाहर जाने, जैसे हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं हमें वो चीज़ भी लाने नहीं दे रहे। तो हमारे यहाँ पे हमें बहुत व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रही है, बस खाना खा रहे हैं, उन लोग बोले खाना खा रहे हो आराम से रहो, अरे हम आराम से कैसे रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हम अपना घर जाना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते, हमने पूरी हमको आज 22-23 दिन हो गए, हमने आपका 14 दिन का जो सरकार का क्वारंटाइन है, 19 क्वारंटाइन जिसका नाम है, वो हम लोगों ने 14 दिन का पूरा कर चुके हैं, और 7 दिन उसके बाद जो 7 दिन होम क्वारंटाइन होता है वो भी हमारा यहीं पे पूरा हो गया। अब बताओ कि हम क्या करें, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पे सुनने आ रहा है, ना ही कुछ, और हमसे पीछे जो आए वो घर जा चुके हैं, उनके हम फोन कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे आप, हम घर आ चुके, तो हमारे साथ क्या कर रहे हो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई लोग हैं उन लोगों को पूछ सकते हो आप कि कितने कितने क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर यहाँ बूढ़िया है, कितने है, देखो जरा बोला, अरे हम तो हमारे तरफ जो है घर में जो है घर चले गई हूँ, मैं घर नहीं लगाई हूँ, हम तो बहुत परेशान किए घुआ लगी, ये आज आ जाओ बहुत बहुत हम करना रात सुनी हम साइड पर खड़े देखना, ये हम तो ठकोना था लगे, ये हम तो कुछ सामान भी नहीं लो देना, कुछ नहीं हमारे को कर देना, एक सौ साले पूरी में आज हम ये बहुत परेशान मचा, घर भी हमारा फोन आना है कि तुम बच्ची हुए तक, अगर हम एक साथ सारे पूरी बस सारे पूरी मर जाओ लो तो कुछ फंस लो उत्तराखंड की सरकार, प्लीज हमको घर दे दो प्लीज, हमको 20 तारीख आगे तो हम लोग यहाँ पे इतने दिन हो गए लेकिन हमको कोई घर नहीं भेज रहा, हमारा नई पेट भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट पर साइन भी किया, 14 दिन भी पूरा हो गया, 21 दिन भी पूरा हो गया, लेकिन कोई हमको कुछ नहीं कर रहा था, केवल खाना जिस तरह होते शरीर के लिए और कुछ नहीं होते हैं, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, कोई बाहर से कुछ हानि नहीं दे रहे, प्लीज़ हमको घर भेजो, हमने सबको फोन किया, सबको फोन किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा सर। हमको आज यहाँ पे 22-23 दिन हो गए हैं, जबकि क्वारंटाइन 14 दिन बता रखा था इन लोगों ने कि 14 दिन रखेंगे आपको इधर,
आज हमारे साथ वाले यहाँ पे हम लोग आए थे, कम से कम 80 आदमी हमारे लिए उन लोगों ने 60 आदमी घर भेज दिए। अरे 15-16 लोग हमको यहाँ पे रोक के रखा है सर, पर हमारे समझ में नहीं आ रहा हमको रोक क्यों रखा है, हमको कुछ बता ही नहीं रहे लोग, हमको घर भेज रहे हैं, कोई व्यवस्था करे घर जाने की। आजकल बोल रहे हैं लोग, जो भी हम पे कर्मचारी आ रहा है कोई साफ बता नहीं रहा हमको, बोला आजकल में भेज रहे हैं। हमको हमसे पीछे जो लोग आए थे, हमारी ट्रेन आई थी यहाँ पे 21 तारीख को, जो दूसरी ट्रेन आई थी मुंबई से वो आई थी 27 तारीख को, 27 तारीख वाले घर पहुंच गए कब के क्वारंटाइन, उनको उनको क्वारंटाइन पता नहीं, इन्होंने 7-9 दिन ऐसे किया, उसके बाद में इन लोगों को छोड़ दिया। हम लोगों को सर आज यहाँ पे 23 दिन हो गए, बहुत मुसीबत में जी रहे सर हम यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं, नहाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं बोलने के लिए तो वो लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है सब कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा सर इधर, न कोई देखने के लिए आ रहा है। इससे पहले हम यहाँ पे एमआईटी कॉलेज में थे, 7-8 दिन उधर रखता हम लोगों को, उधर बराबर आ रहे थे लोग देखने के लिए, उसके बाद में उन्होंने हमको इधर ट्रांसफर किया, इधर ये गंगा रेड्डी होटल है यहाँ पे तपोवन में, यहाँ बहुत बेकार व्यवस्था है सर, यहाँ पे कोई देखने के लिए कोई बड़ा कर्मचारी इधर देखने के लिए आ ही नहीं रहा है, मतलब आज हमको यहाँ पे 11-12 दिन हो गए टोटल हमको हो गए, इन्होंने यहाँ तीसरी जगह शिफ्ट किया हम लोगों को। पहले हम वहाँ पे थे सीसम झाड़ी में, स्वामी गुणानंद आश्रम था, उसमें हम 7-8 दिन वहाँ हमारा सैंपल हुआ था 22 तारीख को, और हमारी रिपोर्ट आ गई थी 29 तारीख को। हम जितने भी यहाँ पे हैं सब नेगेटिव हैं, मतलब एक भी इसमें पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव हैं। अब इन्होंने हमको बताया भी थी तुम लोग 14 दिन के बाद हम तुमको घर भेज देंगे, आज हमको 23 दिन हो गए, अभी इन्होंने हमको अभी तक घर नहीं भेजा, मतलब आजकल लगे हैं ये लोग। अरे सर आप कुछ करो हमारे लिए, जल्दी जल्दी हमको घर भेजने की कोशिश करो, हमारे बाल बच्चे भी घर में परेशान हैं, माँ बाप भी बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान है, घर में खर्चा पड़ते की बहुत दिक्कत हो रही है घर में, हम जब घर ही नहीं जाएंगे तो उनका पेट कैसे पलेगा। सर आज कल बेरोजगारी इतना फैला है गाँव में भी, माँ बाप भी बुजुर्ग आदमी बड़े परेशान है घर में, इनके लिए सामान लाने के लिए कोई आदमी नहीं है घर पे, जब हम घर जाएंगे तब जाके वो व्यवस्था होगी सर, प्लीज़ सर।